काजी करो बोलते हैं काजी को बात है यार मुझा कर लो पसंद किसी बोल के लास्ट की बोल रही है तो तकलीफ ना बोल रही नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए, तस्वीरें हम सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त दिखा रहे हैं। मंडी में बड़ी मात्रा में आज मटर की खेप पहुंची है, तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। चौपाल से मंडी में मटर यह आया है, गाड़ी मटर की सोलन सब्जी मंडी में मटर की पहुंची है। अब मटर की आपूर्ति शुरू हो गई है क्योंकि सुबह का वक्त है और आजकल क्योंकि हाइट का मटर चला हुआ है और यही वजह है कि जो सोलन सब्जी मंडी में जो मटर के रेट नहीं खुल रहे हैं तो उसकी वजह भी यही है क्योंकि मटर बड़ी आजकल थोड़ी देरी से पहुंच रहा है। जिस तरह से पीछे जैसे मटर की आपूर्ति सुबह 5 बजे के आसपास शुरू हो जाती थी तो अब सुबह के वक्त ही मटर सोलन सब्जी मंडी में 7:30 के बीच में मटर आना शुरू होता है। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, चौपाल का मटर अभी आया है, सिरमौर और सोलन के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भी मटर की बड़ी खेप मंडी में पहुंचनी है और करसो का मटर लगातार सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। यदि हम सुबह के रेट की बात करें तो लोकल मटर सोलन सब्जी मंडी में आज 60 रुपये तक बिका है, 60 रुपये प्रति किलो तक, और करसो का 62 रुपये प्रति किलो तक सोलन सब्जी मंडी में बिका है। मिनिमम रेट 30 रुपये से शुरू हो जाता है, 30 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में, क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी होगी उस तरह के दाम होंगे। लेकिन सोलन सब्जी मंडी में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मटर की बड़ी मात्रा में आपूर्ति अभी भी जारी है। हालांकि सीजन अब समाप्ति की ओर है और कल जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है, उससे मटर को भी नुकसान हुआ है, अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर जो किसानों की जो चुनौतियां हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम की तरफ से जो चुनौतियां किसानों के समक्ष प्रस्तुत हो रही है उससे किसान भी परेशान है क्योंकि रबी सीजन की शुरुआत सूखे से हुई थी। सूखा हिमाचल प्रदेश में करीब 3 महीने तक सूखा पड़ा रहा, उसकी वजह से मटर की फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। करीब 20-30% फसल मटर की सूखे के कारण प्रभावित हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में के बात करें तो सोलन, सिरमौर, शिमला और मंडी में बड़ी मात्रा में मटर का उत्पादन हुआ है और लगातार मटर की खेप आप देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में 300 क्विंटल के आसपास मटर अभी भी पहुंच रहा है और यहां से मटर की जो आपूर्ति हो रही है वो अहमदाबाद, मुंबई और राजस्थान की मंडियों को हो रही है। तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं और मटर की आपूर्ति बड़ी खेप आज मंडी में पहुंची है और उम्मीद, क्योंकि आज सोमवार है, रविवार है, रविवार को डबल मंडी लगती है और लग रहा है कि आज कल की तुलना में बड़ी मात्रा में मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचेगा। ढेरी यहां पर लगाई जा रही है, उसमें छंटाई की जा रही है, जो सूखा हुआ मटर है उसे निकाला जा रहा है। वजह है क्योंकि मटर यहां से मुंबई, गुजरात और राजस्थान की मंडियों को और अन्य देश में अन्य मंडियों को भी जाएगा और मटर की क्वालिटी, शानदार क्वालिटी का मटर वहाँ पर जाए तो इसलिए ढेरी लगाई गई है और इस ढेरी में से छंटाई की जा रही है उस सूखे मटर की, जिसके वजह से भारी मंडियों में हिमाचल प्रदेश की छवि को भी नुकसान और रेट उस तरह का नहीं मिलेगा जिस तरह का रेट किसान या फिर व्यापारी उम्मीद करते हैं। तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है और सोलन सब्जी मंडी में आजकल मटर बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है और मटर अच्छी क्वालिटी का है, यही वजह है कि मटर के भाव में ज़बरदस्त उछाल भी देखने को मिला है। तो सोलन सब्जी मंडी में यदि हम रेट की बात करें तो मटर का भाव इस बार पूरे सीजन अच्छा ही रहा है, 40 से 50, अब 50 से 60 रुपए के बीच में चला हुआ है, आज 60 रुपए हैं और करसो का मटर 62 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिका है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं।
पहुंचा है और चौपाल का मटर है, जिला सिरमौर से भी बड़ी मात्रा में मटर सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। नौराधार, हरिपुर धार और धामला के क्षेत्रों से मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में नारक से हो रही है। सोलन की बात करें तो धारों की धार और गलानक का मटर सोलन सब्जी मंडी में, जो अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ से आ रहा है। चायल चौक मंडी का, करसोग मंडी से और बल घाटी से बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति। यदि हम मटर की देखें तो जो सोलन सब्जी मंडी में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जहाँ 1375 क्विंटल तक मटर की आपूर्ति एक दिन में हुई थी, वहीं आजकल भी 300 से 400 क्विंटल के मटर अभी भी पहुंच रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज कल की तुलना में ज़्यादा मात्रा में मटर की आपूर्ति होगी, क्योंकि देशभर की मंडियों में मटर की डिमांड भी अच्छी है। लेकिन ओलावृष्टि से मटर की फसल को नुकसान हुआ है, जो ओलावृष्टि कल हुई है, और लगातार इस प्रकार की चुनौतियाँ किसानों के समक्ष प्रस्तुत हो रही है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश का किसान बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन कर रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मार्च के महीने से मटर की आपूर्ति शुरू हो गई थी, अप्रैल का महीना भी पूरा हो गया है और अभी भी मटर चला हुआ है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।